मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत प्यारे हैं। जब करण अंदर थे बिग बॉस के अंदर, तो हम लोग निशा से मिलते रहते थे और देखते थे, जब भी कोई पार्टी हो तो बिग बॉस लग जाता था, हम सब बैठ के उसे देखते थे, प्रे करते थे। करण जो बहुत ही अच्छे इंसान है मुझे लगता है, और ये इसकी बीवी भी बहुत प्यार करने वाली है, बहुत मेड फॉर इच अदर, आइडियल कपल है, किसी की नज़र ना लगे। एंड हम प्रे करते हैं कि इनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो। जो वीडियो इनने दिखाया, एक गाना इतने प्यार से बनाया है, एंड आई थिंक इतने एफर्ट से बनाया है, हर पति और पत्नी को ऐसे ही प्यार से रहना चाहिए, तभी दुनिया एक बहुत बड़ा स्वर्ग बनेगी। क्या सर आजकल बात करें? आजकल सबसे 8 तारीख को हमारे डैड की बुक लॉन्च है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि दादाजी की बुक सब तक पहुंचेगी। आप सब भी आइए लॉन्च पे, आई थिंक मैरियट में होगा, और बुक के बाद फिल्म आएगी। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है, कोई ना कोई डैड का नाम जो है आई थिंक सब सारे भारतीयों को बहुत पसंद है, बहुत प्रेम है, और उनका नाम अमर करने के लिए हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश। क्या उसको बहुत बड़ी फिल्म बनेगी, अगले साल स्टार्ट होगी, अगले साल के मार्च के आसपास स्टार्ट होगी, और बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट मैंने और मारुख मिर्ज़ा ने बैठ के, मारुख मिर्ज़ा मेन है, मैं तो सिर्फ उनको बता रहा था कि डैड के लाइफ के बारे में, उनने जो स्क्रिप्ट लिखी आई थिंक फैंटास्टिक है, और वो पिक्चर बहुत बड़ी बनेगी। प्रोड्यूसर मिल गया, बस हीरो जैसे साइन होता है आपको बताते हैं। नहीं, बड़ा हीरो होगा, जो हम लोग सबका जो दिल है, हमारा हीरो बोलता है भाई दादाजी के जूते पहनना बहुत हार्ड है, लेकिन हमने उसे समझाया कि नहीं तू कर सकता है, अब जब हो जाएगा तब आपको बताएंगे। थैंक यू सर। हेलो जी, एलईजी से बात करो।